सर ये 8x9 की साइज में ये अलमारी बनी हुई है पूरी, अंदर से ये पूरा अंदर से एक है वन पीस में वैसी बनी हुई है, इसमें भी शेल्फ दी हुई है। अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा सर, ये सर इससे ज्यादा इस्तेमाल करना है तो आप इसको ऐसे रखो, यहाँ रखें। इनमें भी हैंगर रॉड का काम हुआ हुआ है, ये टोटल शेल्फों वाला है, इधर ड्रॉज है, नीचे के जो डोर होते हैं इनमें टोटल जो है पौने इंच की शीट लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो इसके ऊपर वजन आता है, उसके लिए भी इसको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है और मजीद पायदारी भी बढ़ जाती है। इसके अंदर आप जितनी भी शेल्फे रखवा लें हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। एक्रेलिक के कलर आ गए सर, इसमें से कोई भी कलर, आप काफ़ी सारे कलर तो हमने आपको दिखाई दिए हैं। वाइट कलर का भी काम हुआ हुआ है, तीन कलर में ये अलमारी बनी हुई है। इसके अलावा आप ये प्रिंटिंग वाले कलर भी इसमें रखवा सकते हैं सर। ये जैसे कि स्पेस सेविंग अलमारी ये चलाती है कि जिनके रूम छोटे होते हैं, जिनका सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये अलमारी भी है 6 पीस में, एक पीस ये है, एक पीस वो है, नीचे के 4 पीस अलग है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतिशाम जंजुआ। तो भाई आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के बाद आज मैं एक और जंबो अलमारी लेकर आ रहा हूं। पिछली वीडियो में मार्बल की काफ़ी हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, एहतिशाम भाई मार्बल स्टाइल में या फिर व्हाइट कलर में कोई जंबो अलमारी आपको मिले तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इमरान सन्स पे आज एक और बहुत ही खूबसूरत किस्म की जंबो अलमारी तैयार हुई है और आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे अब्दुलरहमान साहब। अब्दुलरहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक हैं सर। माशाल्लाह हर दफ़ा आप एक नया कलर, नया डिज़ाइन, नया साइज़ लेकर आते हैं, आज की इस वीडियो की क्या खास बात है? सर इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, कमाल जो है वो आपके व्यूवर्स का है जो ट्रस्ट करके इमरान सन्स पे आते हैं कि उनको उनका माइंड बन चुका है कि उनको जो भी जंबो अलमारी बनवानी है और जिस तरह की भी जंबो अलमारी बनवानी है उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ इमरान सन्स से रब्ता करते हैं। तो तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सही है। इसके अलावा जैसा कि आपको हर बार एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वो हमारा माइंड नहीं होता है, वो आपके व्यूवर्स का माइंड होता है। ठीक है। इसी तरह से ये आज एक जंबो अलमारी हमने तैयार करी है जिसमें टोटल कस्टमर रिक्वायरमेंट पे ये अलमारी बनी हुई है। कलर वाइज, अंदर का स्ट्रक्चर, क्वालिटी वाइज सेम टू सेम जो जैसी आपकी व्यूवर ने हमसे रिक्वायरमेंट करी सेम वैसी हमने। अच्छा, ये लोगों को लेनी चाहिए ये? सर ये जैसे कि स्पेस सेविंग अलमारी ये कहलाती है कि जिनके रूम छोटे होते हैं, जिनका सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये अलमारी की। इसके अलावा जिनके रेंट के घर होते हैं, जो दीवार में अलमारी बनवा लेते हैं, फिर शिफ्टिंग के टाइम अलमारी छोड़नी पड़ती है उनको, लेकिन इसमें ऐसा है कि घर के साथ साथ आप अलमारी भी शिफ्ट कर, फोल्डिंग अलमारी है, उसको फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सर ये बिल्कुल अलग अलग पीस में ये अलमारी हम इसीलिए बनाते हैं कि आप जो है कि कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा एड्रेस बताएं फिर वीडियो स्टार्ट। सर कराची में करीमाबाद फर्नीचर मार्केट है, करीमाबाद का ब्रिज बहुत मशहूर है, इसके अपोजिट हमारी मार्केट है। मीना बाजार कराची का बहुत मशहूर है, इसके बराबर में हमारी मार्केट है। इसके अलावा पूरी वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप हमसे लोकेशन मंगवा लें तो इजीली हमारे शोरूम तक पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको मैक्सिमम दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स इस प्रोडक्ट से फायदा उठा सके। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मान भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले बताएं क्या साइज है इसका? सर ये 8x9 की साइज में ये अलमारी बनी हुई है पूरी, आप देख सकते हैं फ्रंट पे इसके टोटल मार्बल एक्रेलिक की शीट का काम हुआ हुआ है। इसमें जैसा कि आप अभी इसको अलमारी को देख रहे होंगे तो बाहर ही अलमारी आपको बहुत जो है कि रफ अलमारी नजर आ रही होगी कि इसमें आपको फिनिशिंग का थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि यार रिफ्रेशिंग नहीं है। तो सबसे पहले मैं फिनिशिंग का डाउट आपका क्लियर करूंगा कि ये अभी इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं जब ये प्लास्टिक उतरेगी तो इसकी ये फिनिशिंग आएगी। सर ये प्लास्टिक में इसको उतार के दिखाऊं, देखें इस तरीके से ये फिनिशिंग आएगी इसकी। सर सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें आप। इसके अलावा बाहर से आप पूरा इसको देखेंगे, अब ऊपर ये बॉक्सेस बने हुए, बॉक्सेस में टोटल लॉक का काम हुआ हुआ है, हैंडल वही हर बार की तरह अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करे हुए, नीचे टोटल जो है कि डायमंड लॉक का काम हुआ हुआ है, हैंडल वही जो हर बार आपको दिखाते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी इसमें इस्तेमाल करते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा सर, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट पे बना हुआ है, एक पूरा हैंगर वाला है, इसमें लॉकर बना हुआ है, लॉकर के अंदर भी लॉकर बना हुआ है। ठीक है सर। दूसरी साइड पे इसकी टोटल शेल्फ है, शेल्फों प्लस हैंगर भी इसमें इस्तेमाल करा हुआ है कि हैंगर आप ये इतना इस्तेमाल कर लें। ठीक है सर, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप इसको ऐसे रखें, यहाँ रखें। ठीक है जी, ये इस तरीके से बनी हुई है, ये सही हो गया। और इस तरह की अलमारी में जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है टोटल कस्टमर रिक्वायरमेंट पे होता है, ये आप जैसा भी हमसे रखवा लें इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। ये सर दूसरे डोर दिखाऊँगा आपको, इनमें भी हैंगर रॉड का काम हुआ हुआ है, ये टोटल शेल्फों वाला है, इधर ड्रॉज है प्लस शेल्फ है, ये ड्रॉज बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है सर, ये शेल्फ फोल्डिंग शेल्फ, ठीक है, ये तीनों शेल्फ हैं, ये दोनों शेल्फ पे फोल्डिंग है उसी तरह की कि आप ये इसको नीचे रख लें फिर इसको नीचे रख लें, सही इस तरह से इस्तेमाल करना है, जैसा आपको दिल करे आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉक डायमंड लॉक लगे हुए इसमें जो हर बार मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा इसमें हम आपको एक दूसरी चीज़ दिखाएंगे, अब तक जो ज़्यादातर हमने अलमारियाँ आपको दिखाई हैं उसमें हाइड्रोलिक कब्जे दिखाएँ,
इसमें टोटल स्टील के कब्जों का काम हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक स्टील का कब्जा, टोटल स्टील के कब्जों का काम हुआ है। इसमें कहीं पे भी ये के लोहे के कब्जे इस्तेमाल नहीं करे हुए हैं। बैक साइड इसकी दिखाऊंगा आपको, तो बैक साइड वही 1.25 इंच की लेमिनेशन की शीट लगी हुई है पूरी अलमारी पे। नीचे की ऊपर वाले बॉक्स में नॉर्मल बैक होती है, नीचे के जो डोर होते हैं इनमें टोटल जो है 1.25 इंच की शीट लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो इसके ऊपर वजन आता है, उसके लिए भी इसको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है और मजीद पायदारी भी बढ़ जाती है इसकी। और ऊपर के बॉक्स देखेंगे आप अंदर से, ये पूरा अंदर से एक है वन पीस में। इसमें ये शेल्फ दी हुई है, सिर्फ शेल्फ भी फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग शेल्फ है, ठीक है। एक साइड ये बनी हुई है, दूसरी साइड इसकी सेम वैसी बनी हुई है, इसमें भी शेल्फ दी हुई है। अच्छा, इस तरह की जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये के काफ़ी सारे दुकानदार होते हैं जो इस तरह की जो छोटी मोटी शेल्फें होती हैं कि इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस आता है। इमरान सन्स आपको ये फैसिलिटीज़ देता है कि इसके अंदर आप जितनी भी शेल्फें रखवा लें हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, जो हमारी प्राइस होगी वही प्राइस। रोड के भी कोई चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है सर। अच्छा, कितने दिन में बना कर देंगे ये? सर ये बेसिकली हम जो टाइम लेते हैं 8 से 10 दिन में ये अलमारी हम रेडी कर देते हैं। इसके अलावा आप जो है कि अर्जेंट बेसिस में अगर चाहते हैं 2 से 3 दिन में तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कलर्स की बात करें तो कलर सर ये देख सकते हैं आपके, ये जो अलमारी बनी हुई है फ्रंट पे इसके मार्बल है, साइड का कलर आप इसका दिखाएं, ग्रे स्टील ग्रे कलर में ये बनी हुई अलमारी, ठीक है। बॉडी इसकी 3 कलर में ये अलमारी बनी हुई है सर। ये पार्ट एक्रेलिक के कलर आ गए सर, इसमें से कोई भी कलर आप, काफ़ी सारे कलर तो हमने आपको दिखाई दिए हैं इसमें से, लेकिन फिर भी आप जो भी कलर इसमें रखवाना चाहें वो इसमें से रखवा सकते हैं, ठीक है सर। पार्टेक्स लेमिनेशन के आपको कलर दिखाऊंगा, तो पार्टेक्स लेमिनेशन में ये इस कलर पर भी बनी हुई है, इसमें वाइट कलर का भी काम हुआ है, 3 कलर में ये अलमारी बनी हुई है। इसके अलावा आप ये प्रिंटिंग वाले कलर भी इसमें रखवा सकते हैं, ठीक है। सारे कलर आपको मौजूद मिल जाएंगे। और कलर्स में तो जैसा कि आपके व्यूअर जानते हैं कि इमरान सन्स ने एक और फैसिलिटीज़ दी है आपको कि आप जो भी कलर पसंद करेंगे वो हैंड टू हैंड आपको बता दिया जाएगा कि ये कलर मौजूद में है या नहीं है, ठीक है। अब्दुलरहमान साहब, अब प्राइस की बात करें, प्राइस से पहले बताएं कितने दिन में बता दिया आपने ये, ठीक है। अच्छा, कराची से बाहर वालों को कैसे डिलीवर करेंगे? सर कराची के बाहर वाले जो हैं वो हमारे पास आके जो कि बुकिंग करवाएं, बुकिंग करवाने के बाद अलमारी रेडी हो जाएगी, रेडी होने के बाद आप एक नज़र चेक करें, इसकी पैकिंग वगैरह कराएं और अपने जिम्मेदारी पे इसको यहाँ से डिलीवर करें। कितने पीसीज में ये? सर ये बनी हुई है 6 पीस में, एक पीस ये है, एक पीस वो है, नीचे के चारों पीस अलग है। अच्छा, प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस है? सर प्राइस हर बार की तरह जो हर बार आपके व्यूवर्स को दी जाती है, इस तरह की जो सेम टू सेम अलमारी 3 डोर का जो रेगुलर साइज़ होता है उस साइज़ की अगर आप अलमारी बनवाते हैं, जैसे यहाँ से वहाँ तक की, यानी कि 6x9 की अलमारी आप बनवाते हैं, ये रेगुलर साइज़ होता है, तो ये अलमारी आपको हम आपको बना के देंगे 70,000 में। 70,000 में सेम एज इट इज़ ऐसी अलमारी बना के देंगे 3 डोर की। आप 4 डोर रखवाएं, 5 डोर रखवाएं या 6 डोर रखवाएं, जैसी भी आप रखवाएंगे फिर उसके हिसाब से प्राइस चले। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, मैं उसमें लगा दूंगी सर। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।